मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब सर्वगुण भक्ति में आपको दो चीजें मिल जाएगी, सामिप्य और सालुक्य मोक्ष। लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। हम सब मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसा क्यों, हम सब क्यों चाहते हैं मुक्ति? हमारे धर्मशास्त्र हम सबको जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, खान पान समझा रहे हैं, सभी क्रियाएं समझा रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्र, हमारा धर्म हमें पहले ये बात बता रहा है कि ईश्वर है। हमारा धर्म पहले बता रहा है ईश्वर है। दूसरा, ये आत्मा अमर है। तीसरा, हम सब अपने कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म और मरण की प्राप्ति कर रहे हैं। यानी हमारा धर्म ये तीन चीजें हमें बता रहा है कि ईश्वर है और आत्मा अमर है। जब आत्मा अमर है, आत्मा के गुणों का विश्लेषण धर्म क्षेत्र दे रहा है, धर्मशास्त्र दे रहे हैं। आत्मा अमर है, अखंडित हैं, इंद्रियातीत हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से आत्मा परे हैं, विषय विकारों में आत्मा कभी नहीं आती है, जन्म मरण इस आत्मा का कभी नहीं होता है, न्यूनाधिक नहीं होती है। भागवत गीता अन्य धर्मशास्त्रों में इस आत्मा की ताकत का विश्लेषण दिया हुआ है। इसलिए साथ में आगाह किया है कि मनुष्य तन प्राप्त करके आप अपनी आत्मा का कल्याण करो, अन्यथा आप अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सब अपने धर्मशास्त्रों की गाइडिंग के अनुसार ही अपना कल्याण चाह रहे हैं। फिर हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, उन्होंने चार मुक्तियाँ आदि का विश्लेषण दिया। चार वेदों से छह शास्त्रों का सृजन हुआ, छह शास्त्रों से ही 18 पुराण बनाए गए, 18 पुराणों से ही 128 उपनिषद बनाए, और छंद विछंद गद्य पद आदि फिर 128 उपनिषदों से काव्य वाक्य वाणियाँ ये सब बनी। तो बंधु, हमें धर्मशास्त्रों ने इशारा किया कि अपनी आत्मा का कल्याण करना होगा, मनुष्य तन पा करके आत्मा का कल्याण करना है। धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, किसी न किसी मान्यता से जुड़ा हुआ है। सभी धर्मों की मान्यताएं हैं, सभी धर्मों का एक लक्ष्य है। आइए हम थोड़ा धर्मों की तरफ भी देखते हैं, कौन सा धर्म हमें किस दिशा की तरफ ले चल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। एक बात तो करीब दुनिया के सभी धर्म बोल रहे हैं, सभी लोगों की ये मान्यता है, शरीर के मिटने के बाद में भी कुछ बाकी रहता है। जो कुछ बाकी बच रहा है वो सार है, जो मिट गया तो वो मिट गया। वह ये जो मिट गया वो नित्य नहीं है। जैते दृश्यम तैते अनित्यम, जैते आदृश्यम तैते नित्यम। हम जो कुछ भी दृश्यमान है वो सब नाशवान है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो नित्य नहीं है, अनित्य है, लेकिन कुछ नित्य है, उसकी तरफ चलने के लिए कहा। इसका मतलब है कि मुक्ति का संकेत हमें धर्मशास्त्रों से, अपने धर्म से, अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से संदेश मिला कि भाई आप बार बार आवागमन के चक्र से छूट जाएं, जन्म मरण के क्रम से छुटकारा प्राप्त करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। कैसे कैसे आत्मा का कल्याण करें, कैसे कैसे हम परमात्मा तक पहुँचें, कैसे कैसे हम जन्म मरण के चक्र से छूटें। सर्वगुण भक्ति द्वारा कुछ जो साधारणतः लोग भक्तियाँ उपासनाएँ कर रहे हैं, चार तरह की मुक्तियों के विषय में बताया गया। ये आपके हाथ में है कि आप किस दिशा, किस मुकाम, किस जगह पर जाना चाहते हैं। चार मुक्तियाँ हैं, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। पितरादि लोगों की प्राप्ति होती है, इसलिए हम सब पितृतर्पण भी करते हैं। सामिप्य मोक्ष इसी श्रेणी में आता है। तो क्या हम उसके द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण हुआ? नहीं, दरअसल वो मोक्ष तो हैं, स्थाई नहीं है।
वो मुक्ति स्थाई नहीं है, हमारा पुनर्जन्म फिर होगा। ये मिलेगी कैसे? धर्मशास्त्रों ने दिशा दी है, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। संतों ने वेदों की निंदा नहीं की है, धर्मशास्त्रों की निंदा नहीं की है, किसी की भी निंदा नहीं की है, देवताओं की भी निंदा नहीं की है, अपनी अपनी जगह है। और संतों ने तो राक्षसों को भी लाइन पर लाने की कोशिश की है। तो बंधुओं, इन दोनों मुक्तियों से कैसे प्राप्त होगी? वैदिक आचार संहिता का पूर्ण पालन करता हुआ मनुष्य ये जीवन मनुस्मृति द्वारा, धर्मशास्त्रों की दिशा के द्वारा गुजारे, किसी को दुख नहीं दे, किसी को पीड़ा नहीं दे, मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट नहीं दे, किसी को नहीं सताए, पाप न करे, हिंसा न करे, क्रूरता न करे, किसी का दिल कभी न दुखाए, जितने भी वर्जित अपराध हैं वो कभी न करे, और परमार्थ करे, दूसरों का भला करे, दान करे, पुण्य करे, धर्म करे, शास्त्रों के अनुकूल चिंतन मनन करे, और यथासमय यथासंभव प्रभु का चिंतन करें। मरने के बाद वो स्वर्ग पितरादि लोगों की प्राप्ति करता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो धर्मशास्त्र बोल रहे हैं, छल किया, कपट किया, दगा धोखा, बेमानी, हिंसा, क्रूरता, किसी को कष्ट दिया, पीड़ा दी, पाप किया, नरक में जाएगा, वो दिशा दी हुई है। अगर आपने गलत काम किया तो उसका दंड मिलेगा, मनुष्य को स्वतंत्र करके भेजाएं, आप जो कुछ करें। ये नहीं होगा कि अभी आप एक को तमाचा मारा तो कुदरत ने उसी समय आपकी खोपड़ी पर एक सोटा मार दिया, तो फिर आप स्वतंत्र नहीं हुए। प्रकृति ने आपके जीवन में आपको स्वतंत्र रखा कि अपनी दिशा चुनो, आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं? आप अमर लोग चाहते हैं, आप नरक लोग चाहते हैं, स्वर्ग लोग चाहते हैं, पितृलोक आदि चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? ये आपके फ्री किया, पर आप सोच लें। साथ में आपको गाइडिंग दी, किस कर्म के करने से आपको क्या फल, क्या लाभ, क्या हानि होगी। दूसरा है जो परमार्थ करे, अत्यंत शुभ कर्म करे, किसी को भी नहीं पीड़ा दे, वो आदमी हमेशा दूसरे के उपकार के लिए लगा रहे, वैदिक नियम के अनुसार अपना जीवन यापन करे, मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करेगा, देवलोक को प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं कुछ लोग उस लोक की प्राप्ति के लिए चेष्टारत हैं। आप देखते हैं कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ का लक्ष्य होता है इंजीनियर बनना, कुछ का लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना। हर इंसान बचपन में ही चुनाव करता है मुझे क्या करना है। मैंने सोचा था फौजी बनना है, तो मैं फौजी बन गया। ये मैंने बड़े होकर नहीं सोचा था, ये मैंने बचपन में ही सोचा। क्यों सोचा? मैंने सोचा देश की सुरक्षा करते हैं, सैनिक नहीं हो तो देश की रक्षा नहीं हो सकते हैं, सीमाओं को बचाते हैं, इनका सम्मान भी है, इज्जत भी है, राष्ट्र के लिए जीना होता है, परमार्थ है ये, इसलिए रास्ता चुना। जिस समय मैं फौज में भर्ती हुआ 1968 में, तनख्वाह थी 50 रुपये 52 रुपये, उस समय लोग पैसे के लिए नहीं जा रहे थे सेना में। अभी भी नहीं कहूँगा पैसे के लिए जा रहे हैं सैनिक, अभी भी जो जा रहे हैं उसका पहला तो मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा, सीने पर गोली खाना है ज़रूरत पर और मारना है शत्रु, एक लक्ष्य चुना। अब एक बात उठी, जो बीज के अंदर शुक्राणु पनपे वो आपका खून खाकर ही पनपे हैं, ब्लड, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उससे, भोजन से रक्त, भोजन से रस, रस से लार, लार लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा यानी मसल्स, मंजा से अस्थियां यानी हड्डियां, अस्थियों से बीज बनता है। बीज बनाने का काम हमारी अस्थियां कर रही हैं, यानी अस्थियां हमारे शरीर के अंदर स्टॉक हैं। जैसे आपने घर में एक स्टोर रूम बनाया हुआ है ना, एक तो किचन में आपने अपने ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, दाल रोटी चावल दाल आटा वगैरह सब रखा है आपने, एक आपने बड़ी बड़ी बोरियां कहां पर रखी हुई हैं स्टोर रूम में, सीजन के अनुसार बासमती चावल आपने खरीद कर वहां रखे हैं, जब ज़रूरत पड़ती है निकालते हैं। तो हमारी अस्थियों में हमारा स्टॉक है पूरी ऊर्जा का, अस्थियों से ब्रिज बनता है। ब्रिज क्या है? यथार्थ में हमारा ब्लड है, बीज हमारा ब्लड है, वो जो शुक्राणु हैं पुरुष के उसी में रह करके खा पी रहे हैं। मैथुन में करोड़ों शुक्राणु मर गए आपके, उसमें से एक निकला, गर्भद्वार को धारण किया, आपको उस बेटे से ममता हो गई, जो आपके करोड़ों बेटे मर चुके हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसमें से एक जाकर के
गर्भ में स्थित हो गया, ये झूठी ममता हुई। अब यहां क्या हुआ, पत्नी से रिश्ता कैसे स्थापित हो गया और मां बाप कैसे बने। अब वो वहां जाकर के बेबी ट्यूब में जाकर के पहुंचा, वहां क्या खा रहा है, सिस्टम और हो गया। माताओं बहनों के नारी के शरीर में सिस्टम है, उसको वहां पोषित करती है, किससे, अपने ब्लड से। वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, ये डेवलप किसने किया, उसे माँ ने, पर बीज किसका था, बाप का। ये डेवलप हुआ यानी उस शुक्राणु के पास पहले बाप की चीज थी, जो बाप की चीज थी उससे बोन बनी, और जो माँ ने वहां पोषित किया गर्भ द्वार में उससे मसल्स, ब्लड, रोम, नाखून, त्वचा, चमड़ी आदि, बाल, ये बने, बड़ा हुआ। तो स्वाभाविक है, इसलिए पुराने जमाने में क्या देखते थे, खानदान। कभी भी लड़की को देखने कोई नहीं जाता था, ना लड़के को, वो देखते थे क्या भाई, बस गुप्ता जी, के जी गुप्ता का लड़का है, बस। जब लड़का उनका है तो उनका जो ब्लड है, उनका जो शरीर का सिस्टम है, उसमें इनकी पूरी वृत्ति होगी। जैसा होगा मिस्टर यूके गुप्ता, वैसा होगा उसका बेटा। अगर थोड़ी चेंजिंग आई तो वो संस्कार से कि गलत सोहबत में उठते बैठते उसको ये चीज़ें आ गई होगी। ये चीज़ें आ भी गई तो भी गुप्ता जी का अंश उसके पास होगा ही होगा। ये 7 पीढ़ी तक जेनेटिज्म चलता है, इसी से क्लोन्स बनाए जा रहे हैं। अभी आजकल आप देख रहे हैं विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की, कुछ कुछ माताओं के डिम्स ठीक है, उनमें बालक को जन्म देने की ताकत है, लेकिन बेबी ट्यूब जहाँ बच्चा पोषित होता है वो सिस्टम ठीक नहीं है। तो अभी क्या किया गया, पुरुष के रज से शुक्राणु उसके डिम्स निकाल करके बेबी ट्यूब द्वारा थर्ड यानी किराए पर कोख ली जा रही है, जिनका वो सिस्टम ठीक है उसमें स्थापित कर देते हैं। यानी अब देखो, उस माँ के डिम्स थे और पुरुष के शुक्राणु थे दोनों, लेकिन आगे पोषित किसने किया, पोषित किराए पर एक कोख ले ली गई कि भाई तुम्हारा ये सिस्टम ठीक है, इंजेक्शन द्वारा किसी विधि द्वारा उसके पेट में पहुंचा देते हैं, होने वाला बालक उनका है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, जो उसका पालन पोषण किया जिस किराए की माँ ने किया, तो यानी उसकी डबल मम्मी हो गई, परख नली द्वारा बाकी सिस्टम्स द्वारा संतान उत्पन्न हो रही है। वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को ठीक ठीक से समझा। तो आइए, तो गुण हुए आपके पास, ब्रेन भी बाप का आएगा, सोच भी आएगी, ब्लड भी आएगा, जो भौतिक है सब चीज़ें वो भी आएगी, कभी कभी नाक नक्शा भी आ जाता है, आवाज़ भी उनकी तरह हो जाती है, देखना भी उनकी तरह हो जाता है, और चलना भी हो जाता है, नेचर भी हो जाती है, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके पास ट्रांसमिट होकर के आ गई। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में एक बात कही, गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख, कर्मों का लेख भी मिट सकता है, पर तुलसी कहे विचार के मिटे न वंश विवेक। ये सिर्फ वंश का विवेक जो है, खानदानी जो चीज़ें हैं वो नहीं। इसलिए पुराने ज़माने में जेनेटिज्म ज़्यादा था, वो इसी सिस्टम से देखते थे कि जो इनकी संतान है, इनके माँ बाप कैसे हैं, बच्चा वैसा ही होगा। बाप गुस्से वाला है तो संतान गुस्से वाली होनी होनी है, माँ थोड़ी बुद्धू है तो किसी न किसी कोने से माँ का बुद्धूपन भी आएगा, बाप इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंटशिप आपके पास आ ही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुद्धू वाला काम जरूर कर बैठोगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं। ये चीज़ें जेनेटिज्म, मनुष्य के अंदर अपने वंश का गुण आया, इसलिए पुराने जमाने में सिर्फ वंश पूछा जाता था, कभी किसी लड़की को नहीं देखने आते थे। उस जमाने में एक चीज और भी थी, आपने देखा ना कि माँ बाप की सब चीजें बच्चों में आ गई, ये 7 पीढ़ी तक रहेगी। डॉक्टर लोग भी इसकी जानकारी लेते हैं, किसी को टीबी हो गई तो पूछते हैं माँ बाप को है क्या, बोलते नहीं, बोलते हैं दादा परदादा को थी क्या, फिट्स के लिए भी पूछते हैं आपकी 7 पीढ़ी में कहीं थी क्या। इसका मतलब है जेनेटिज्म कह रहा है 7 पीढ़ी तक वो सिस्टम चलता आया, यानी गुप्ता जी के बेटे 4 हुए मान लीजिए, 4ों में गुप्ता जी का वो नेचर आई, इनके जो पोत्रे आएंगे उनमें भी रहेगा,
सात पीढ़ी तक रहेगा, यानी गुप्ता जी सात पीढ़ी तक उनके अंदर समाया हुआ है। वाह वाह वाह। इसलिए श्राद्ध भी सप्त पीढ़ी तक के लिए किए जाते हैं, श्राद्ध भी वहीं तक, और कहा भी जाता है सात जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। आठ जन्म क्यों नहीं बोला? शादी में भी सात फेरे इसलिए कहते हैं, करते हैं कि जेनिसिज्म, जब तक हमारे जीन रहेंगे तब तक हम बार बार जन्म, सात जन्म लेंगे। सात बोला जाता है, इसका मतलब है ये वैज्ञानिक चीज है। जेनिसिज्म कह रहा है जो जीन इफेक्ट है, जीन का प्रभाव है, वो सात जन्म तक रहता है, सात जनरेशन तक रहता है। अब विज्ञान इस पर सहमत है। आइए तो बंधुओं, यानी हमारे पास माँ बाप का बहुत कुछ है, पूरा ये देही का खजाना उन्हीं का है, इसकी रचना इसका पोषण उन्होंने किया, लेकिन जो हमारी आत्मा थी वो इनकी नहीं है। जो मूल रूप से शुक्राणु हमारे बॉडी में आया वो इनका नहीं है, वो केवल वहां पोषित हुआ है, वो केवल वहां पोषित हुआ है, वो शुक्राणु केवल पोषित हुआ है, वस्तु तो उनका नहीं है। पर क्या था? उनका ब्लड उनका है। पुरुष के शुक्राणु भी अगर शरीर में जीवित रहे तो ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, यानी वीर्य रक्ति से, माँ के डिम्स में भी अगर जो शुक्राणु जीवित रहा वो भी रक्त द्वारा, यानी रक्त ब्लड हमारा, हमारे माता पिता का था। इसलिए कहते ना ये हमारा खून है, माता पिता भी यूं ही कहते, ये हमारा खून है, ये हमारी रूह है तो नहीं बोला जा रहा है ना भाई। लेकिन जो हमारी आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, ये आत्मदेव का किसी भी देश काल में कभी भी नाश नहीं होना है। इसी तरह पुराने जमाने में एक चीज और देखते थे, साहेब वाणी में एक बात कह रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। वाह, गुरु मिलने के साथ पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। क्या करता है गुरु, कैसे, क्या सिस्टम है? मैंने आपको बताया ये क्या जेनिसिज्म क्या है, किस प्रकार से माता पिता का अंश हमारे पास आया। और इसी तरह हम देखते हैं साहेब वाणी में कह रहे हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो मैंने आपसे भक्ति की बात कर रहा था, तो इस प्रकार से हमारे पूर्वज भक्ति करने जाते थे, गुफाओं में, कंदराओं में योग करते थे, पंच मुद्राएं करते थे, ध्यान सूत्र द्वारा वो अपने को जगाने की कोशिश करते थे, पंच मुद्राओं द्वारा शरीर की ही सेल, डीपर इनर सेल जगाए गए, इससे आत्मा नहीं जगी। साहब यही बात बोल रहे हैं, भाई पंच मुद्राओं द्वारा आपने क्या जगाया? खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, इन पंच मुद्राओं द्वारा हमारी आत्मा तो नहीं जगी ना। चाचरी में अगर आपने अपना ध्यान यहां पर रखा तो क्या जगा? यहां की कोशिकाएं जगी ना, आपको अंदर में प्रकाश दिखा देगी, लेकिन कहीं से भी आपकी आत्मा का विकास नहीं हुआ। ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना, महाज्ञान हो जाना। भूचरी मुद्रा में आदमी पंचवटी और त्रिकुट के बीच में जाकर के कंसंट्रेशन करता है, यहाँ के डीपर इनर सेलों को जगाता है। जब ये सेल जगते हैं तो क्या करते हैं? जैसे हमारी नासिका में सिस्टम है खुशबू लेने का, हमारे कानों में सिस्टम है शब्दों को पढ़ने का, हमारी आंखों में सिस्टम है दृश्य को देखने का, इस तरह भ्रुकुटी के मध्य में ऐसी कोशिकाएं हैं, उनका सिस्टम है, कई लोक लोकांतर देखने में वो सक्षम हो जाती है। संगी